तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइयो आप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, तस्वीर आप लोग देख सकते हो, यह है मोदी नगर साउथ RRTS का स्टेशन, जिस पे कि ये एंट्री एग्जिट पॉइंट पे दोस्तों रूफ टॉप का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। सीढ़ियां तो बन चुकी हैं दोस्तों, एक्सीलेटर भी लग चुका है, सारे काम हो चुके हैं दोस्तों। और प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्तों क्या चल रहा है, इस पर चल रहा है दोस्तों फिनिशिंग का काम। और ये साइडों से जो इसका डिजाइन बनाया जा रहा है वो काम चल रहा है, फिनिशिंग का ही काम चल रहा है। जितने भी स्टेशन बचे हुए हैं कंप्लीट होने के लिए, उन पर फिनिशिंग का काम चल रहा है दोस्तों। आने वाले वीडियोस में आप सभी को स्टेशन के अंदर से भी व्यू देखने के लिए मिलेगा KP संत के चैनल पर दोस्तों। तो देखते रहो। और ऐसे देखो आप लोग, देखो ये बायोडक्ट बनाया गया है जो कि बिल्कुल रेडी हो चुका है। और रेडी होने के बाद में देखो एक चीज़ और बताऊं आप सभी को कि देखो अब ये ट्रैक कितना ऊंचा बनाया गया है। ये यहाँ से देखो आप लोग, देखो यहाँ तक तो ये, यहाँ तक तो इसमें क्या सरियाओं का जाल बना कर फिर ये कंक्रीट से भरा गया। उसके बाद में ये ट्रैक स्लैब लगाया गया है। ट्रैक स्लैब लगाने के बाद में फिर इस पर ये पटरियाँ बिछाई गई हैं दोस्तों। और बीच में देखो ये रेलिंग लगी हुई है, इस तरीके से ये रेलिंग लगाई गई है बीच में। बीच में रेलिंग लगाने के बाद में दोस्तों देखो इधर भी ये फुटओवर बनाया गया है, देखो यहाँ पर चलने के लिए, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी की वायर जा रही है, ये देख सकते हो, ये इलेक्ट्रिसिटी की वायर जा रही है जो कि इसमें पूरे में करंट रहता है, ठीक है। और देखो ऊपर तो देखो जा ही रही है, ये रही देखो OHE वायर लगाने के बाद में सारा काम कंप्लीट हो गया। और इस पर ट्रायल रन चल रहा है दोस्तों। और आप लोगों को बता दूं जो जगह है दोस्तों, ये है मोदी नगर साउथ RRTS के स्टेशन के बगल में दोस्तों। देखो कुछ ये नज़ारे हैं यहाँ के, और मैंने क्यों ना दिखाया, मैंने तो आप लोगों को दिखा। देखो काफ़ी ऊँचा बायोडक्ट है दोस्तों, देखो यहाँ पर भी इसमें भी रेलिंग लगाई जाएगी। अभी ये जगह खाली बची हुई है। और देखो ये जो बायोडक्ट का जो बरसात का पानी है वो यहाँ से जाया करेगा, ये देखो इसमें ये पानी उतर जाएगा और फिर नीचे से पाइप के थ्रू निकल जाया करेगा। तो यही है पूरा बायोडक्ट, घर दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये टीम लगी हुई है जो कि इस रेलिंग को लगा रही है, ये जो रेलिंग है ना इसको लगा रही है दोस्तों, ठीक है, इसको लगाया जा रहा है रेलिंग को। और देखो यहाँ पर भी ये वायर जाएगी, इसमें भी वायर देखो डाली जाएगी, देखो ये है ना, देखो ये इसमें भी ये वायर डालने का काम किया जाएगा। तो काफ़ी लंबा काफ़ी चौड़ा देखो बायोडक्ट है, कितना लंबा चौड़ा है देखो आप लोग, देखो किस तरीके से यहाँ पर जो टीम है वो किस तरीके से काम करती है आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर ये जीना है चढ़ने उतरने के लिए दोस्तों, देखो ये रेलिंग लगाई जा रही है यहाँ पर, देखो ये नापतौली कर रहे हैं इस रेलिंग पे दोस्तों। जो बीच बीच में रेलिंग बची हुई है उस भी काम कर रहे हैं, वही लगाया जा रहा है ना, जो बीच की रेलिंग बची हुई है उसी पर काम चल रहा है। ये बची हुई है अभी, ये रेलिंग लगाई जाएगी, जो बीच बीच में बची है उसी पर रेलिंग पर काम किया जाना है दोस्तों। देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये सारी वायर जा रही है, ठीक है। देखो रेलिंग ये रखी है लगाने के लिए, ये लगाई जाएगी। तो बीच बीच में अभी काम रह रहा है लगाने के लिए, ये काम चल रहा है। और ये जीना चढ़ने उतरने के लिए दोस्तों, जो आपातकालीन अगर कुछ बायोडक्ट में कोई फॉल्ट हो जाता है तो पब्लिक को उतारने के लिए यहाँ से इस जीने से नीचे। तो अभी चलेंगे दिखाने चलते आप सभी को दोस्तों, ठीक है। ये सारे में देखो ये इधर से उधर वायर के लिए बनाया गया है ये बॉक्स, ठीक है। ये बीच में रेलिंग जैसा मैंने दिखाया था, देखो बीच में लगी हुई है रेलिंग, इस तरीके से ये रेलिंग लगी हुई है। और यहाँ पर देखो ये आपातकालीन सीढ़ियाँ बनाई गई हैं दोस्तों, ये है कुछ ऐसा हिसाब किताब। देखो ये लोहे की जाली है ना, देखो वो रोड रोलर खड़ा है, कुछ ऐसी जाली बनाई गई है आपातकालीन के लिए दोस्तों। तो यही काम चल रहा है। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। पूरा बायोडक्ट आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है। अब देखो आप लोगों को बता दूँ, जो ट्रैक स्लैब होता है ना तो ये खाली होता है, ये वाला देखो इसमें ये कॉन्क्रीट भरा जाता है बाद में जब ये चिपकाया जाता है, क्योंकि जो मुझे नीचे का पार्ट था ना, जो नीचे वाला सरिया लग के, तो इसमें ये चिपकाया जाता है ताकि ये हिले डुले ना। तो
तो काफ़ी मजबूती के साथ में यहाँ काम किया जाता है दोस्तों बायोडाटा। तो यही नज़ारे हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया था देखो बायर का, तो ये जा ही रही है इधर से फाइलों से, इधर से भी देखो ये मैन। और आप लोगों को बता दूँ कि जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी है दोस्तों वो है 25,000 वोल्ट की दोस्तों, काफ़ी हाई फाई पावर होती है इसके अंदर और तभी ये ट्रेन को भगाती है दोस्तों। अब 180 किलोमीटर की रफ्तार पे अगर दोस्तों भागेगी तो इसकी आप लगा लो के लिए इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भाई साहब 25,000 वोल्ट भाई साहब मायने रखती है। देख लो 2 फुट ऊपर से ये भाई साहब खींच लेती है जब इसमें, अभी तो ये बंद कर रखी है क्योंकि काम चल रहा है इस वजह से, ठीक है। देखो इसके ये लगा रखे हैं मीटर, देखो ये बताएंगे, और ये देखो किस तरीके से यहाँ पर ये मीटर लगाए गए हैं। ये देखो क्या है, एस्टर्न कंपनी का है दोस्तों, देख सकते हो आप लोग। तो ये नज़ारे हैं, और आप लोग बताओ कि आप लोग को, आप लोग बताना दोस्तों कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर, केपी संत लाता रहता। और आप लोगों को स्टेशन भी दिखाने वाला हूँ दोस्तों कि स्टेशन पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हुआ, क्या क्या किया जा रहा, वो भी क्योंकि मार्च में इसको ऑपरेशनल किया जाना है दोस्तों। दुहाई से लेकर और मेरठ साउथ के स्टेशन तक दोस्तों 25 किलोमीटर का रूट है दोस्तों, इसमें चलाई जानी है। मार्च के लास्ट तक ये स्टार्ट हो जाएगी, ऑपरेशनल हो जाएगी आम पब्लिक के लिए। तो है ना खुशी की बात दोस्तों। स्टेशन से निकलते हुए चल रहे हैं दोस्तों, आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि जो बीच का डिवाइडर बनाया गया है उस पर सारा काम हो चुका है। मिट्टी डालने के बाद में प्लांटेशन कर दिया गया है, देख सकते हो अभी नहीं हुआ है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, जो बीच का डिवाइडर है उसमें अभी मिट्टी डाली जाएगी। देखो इस पर पेंट तो कर दिया इन्होंने, और इस पर देखो इधर भी, इधर की साइड में तो इन्होंने पेड़ पौधे भी लगा दिए मिट्टी डालने के बाद में दोस्तों। तो सारा काम इधर का कंप्लीट हो चुका है, मतलब ऊपर का बायोडक्ट तो बिल्कुल कंप्लीट है दोस्तों। आप लोगों को बता दूं कि दुहाई से लेकर और मेरठ साउथ के स्टेशन तक बायोडक्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है दोस्तों। जो भी वर्क बचा है वो स्टेशन का ही बचा हुआ है, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ और मेरठ साउथ का स्टेशन देख सकते हो, यहाँ पर ये वर्क चल रहा है दोस्तों रोड उखाड़ने के बाद में। और यहाँ पर अब दोबारा से नया ब्लैक टॉप किया जाएगा दोस्तों, ब्लैक टॉप नहीं किया जाएगा, इसमें ये कंक्रीट के जो ईंट आती है ना वो बिछाई जाएंगे, जो जितने भी ये रास्ते हैं यहाँ के।
उन पर ये काम किया जा रहा है दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते रहो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में ऐसे ही पर डे वीडियोस लाता रहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करो वीडियो को। तो मेरे दो प्यारे दोस्तों देखो ये आ चुका है मोदी नगर नॉर्थ का RRTS का स्टेशन दोस्तों, जिस पे क्या कुछ वर्क चल रहा है वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो बने रहो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को अब पर डे आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिलेगा केपी संत के चैनल पर दोस्तों, जो कि देखो किस तरीके से यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है स्टेशन का, किस तरीके से काम चल रहा है तेजी के साथ में, और न्यू ड्रेनेज भी बनाया जा रहा है दोस्तों। देख सकते हो आप लोग किस तरीके से न्यू ड्रेनेज को इंस्टॉल किया जा रहा है, जिसमें कि सरिये लगे हुए हैं और साइडों से इसमें क्या इसमें बाल बना रहे हैं दोस्तों, यानी कि सरियाओं का देखो ये देखो किस तरीके से यहाँ पर ये न्यू ड्रेनेज बनाने के बाद में दोस्तों, ताकि आने वाले टाइम में कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आ सके दोस्तों, इसलिए ही यहाँ पर ये सारा काम न्यू किया जा रहा है। देख सकते हो यहाँ पर तो ये ड्रेनेज बनाया जा रहा है और पीछे ये पार्किंग है, तो पार्किंग में भी देखो दोनों साइडों में ये दीवार खड़ी कर दी है इन्होंने, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। और जो एंट्री एग्जिट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों उस पर भी देखो काम चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पे ड्रेनेज बनाया जा रहा है, दोनों दीवारें बनाई जा रही हैं, इसमें सरिया लगाया जा रहा है। और देख सकते हो एंट्री एग्जिट पॉइंट पे देखो रूफ टॉप का जो स्ट्रक्चर है वो लगाया जा रहा है दोस्तों, आगे यही काम चल रहा है, पार्किंग को लेवल में किया जा रहा है, जो भी है दोस्तों वो सारा काम यही चल रहा है, अभी पत्थर भी ये लगाया जा रहा है और ऊपर स्टेशन पर फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो ये आप लोगों को बहुत ही जल्द आप लोगों को अंदर से भी स्टेशन के ऊपर भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि स्टेशन के ऊपर क्या क्या वर्क चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जो पुराने देखो जो पुराने ये कंक्रीट के पाइप थे दोस्तों वो निकाल दिए हैं, नए पाइप डाले जा रहे हैं देखो ये रखे हुए हैं, और देखो इसमें अगर डबल आदमी खड़ा हो जाए तब भी इसकी ऊँचाई इतनी है भाई साहब, लंबाई चौड़ाई देखो कितनी ज़्यादा है इस पोल की, बहुत ज़्यादा इसकी लंबाई चौड़ाई है दोस्तों, इसीलिए ये वाले
अब ड्रेनेज में डाले जा रहे हैं ताकि भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हो, पानी की निकासी हो जाए एकदम से, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी ना हो दोस्तों। तो दिखाते हैं चल के पार्किंग के अंदर और फिर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि क्या कुछ वर्क चल रहा है दोस्तों। देख सकते हो ये तो है सीढ़ियाँ दोस्तों, और उसके बगल में ये एक्सीलेटर लगाया जा रहा है और अभी तो इंस्टॉल किया जाएगा दोस्तों। देख सकते हो रूफटॉप का स्ट्रक्चर भी लगाया जा रहा है। इधर देखो ये प्लेटफॉर्म के अंदर भी इन्होंने क्या एक्सीलेटर भी लग गए हैं और इसमें पत्थर भी लगा दिया जा चुका है दोस्तों। और ऊपर प्लेटफॉर्म लेवल पर दोस्तों स्क्रीन डोर्स तो पहले ही लगा दिए जा चुके थे, अब फिनिशिंग का काम चल रहा है दोस्तों। और साइडों में जो इनका डिज़ाइन बनाया जा रहा है वो भी उस पर काम चल रहा है। देख सकते हो यहाँ पर टीम कैसी काम कर रही है तेज़ी के साथ में दोस्तों। और जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है दोस्तों वो है L&T, तो यही वर्क चल रहा है। देखो ये जितने भी गड्ढे हैं ये ड्रेनेज के लिए हैं, जो पानी मतलब कि भर जाएगा वो ड्रेनेज वो ज़मीन के अंदर धीरे धीरे सोख जाया करेगा। तो यही काम चल रहा है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन होता है प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। देख सकते हो ये GC भी चल रहा है और यहाँ पर देखो पहले ही ज़मीन में गड्ढा कर दिया दोस्तों, और फिर इसका ड्रेनेज बन जाएगा और जैसे ही पानी इसमें भर जाया करेगा बरसात का दोस्तों, वैसे ये ज़मीन के अंदर पानी चला जाया करेगा। तो ये काम चल रहा है, देख सकते हो यहाँ पर ये एक्सीलेटर भी लगा दिए हैं देख सकते हो। अब यहाँ पर ये बाहर का डिज़ाइन बनाया जाएगा दोनों साइडों में, यही काम चल रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट का। और इधर देखो ये पार्किंग बनाई जा रही है, देखो काम बहुत चल रहा है तेज़ी के साथ में। तो यही वीडियो है, आप लोग बताना कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और ऐसे ही वीडियोज़ देखो KP संत के चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे दोस्तों मैं लाता रहता हूँ, आप लोगों के इन्जॉय कराता रहता हूँ। आप लोग बताना नीचे कॉमेंट करके, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारी में, जहाँ भी आप कर सकते हो वीडियोज़ को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। आप लोगों को KP संत के चैनल पर ऐसे ही पढ़े अपडेट देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। अभी तो बहुत अपडेट आने वाले हैं दोस्तों हर जगह के ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं थोड़ा सा परेशान चल रहा था, परेशानी हो गई थी, इस वजह से मैं अपडेट नहीं ला पा रहा था आप लोगों के बीच में, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, पर डे अपडेट देखने के लिए। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।